आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ कि मैं अपनी गेम डेवलप कर चुका हूँ और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर सबमिट भी कराई है। बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जैसा कि गेम डेवलपमेंट हो गई, गेम डिज़ाइन हो गया, एनिमेशन हो गई, साउंड इफेक्ट्स हो गया, VFX हो गई, प्रोसीजर मॉडलिंग आ जाती है इसके अंदर। फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया और अच्छा गया है उसका। मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत अच्छा लगा, सबको पसंद आया, तो वो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं जो है गेम डिज़ाइनिंग में कभी आ भी सकती हूँ, और जब मैं गेम्स खेलती भी थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मैं ख़ुद इस सब को इम्प्लीमेंट कर सकूँगी और अपनी गेम्स जो है वो ख़ुद अपने लेवल्स बना सकूँगी। बेसिकली ये फील्ड सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड है और इस चीज़ को एक्सप्लोर करना था, क्योंकि गेमर भी हूँ साथ गेम्स वगैरह के इंट्रेक्शन, तो मतलब मेरा दिल ये था कि मैं खुद अपनी कोई गेम्स या कोई इस तरह के डिज़ाइन इन्वायरमेंट डिज़ाइंस के अंदर कोई अपना इनपुट लाइक सीखूँ और आगे कुछ ना कुछ चीज़ क्रिएट करूँ। तो इसलिए लाइक 4 ईयर्स रिफा आज मेरा फाइनल ज्यूरी थी, एंड मैं बेसिकली मैंने जो अपना स्किल सेट बनाया है वो इन्वायरमेंट डिज़ाइन के अंदर है। तो मैंने आज भी लाइक एक सर्वाइवल गेम सबमिट कराई है, उसके अंदर लाइक एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द जूरी इट वाज फैंटास्टिक। मैं अपना FIP सबमिट करा चुका हूँ और आज मेरी ज्यूरी थी। सो काफ़ी एक कह लें आप अमेजिंग और इंटरटेनिंग जर्नी रही। 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन, 3D आर्ट, गेम डेवलपमेंट, अनरियल इंजन एंड ऑल दैट स्टफ़। बट सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हमें क्या पसंद है, तो वो डायरेक्शन रिफा यूनिवर्सिटी ने मुझे दिखाई। मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लाइक मेरा जो पर्सनल शौक था वो था 3D एनिमेशन, 3D सिनेमैटिक एंड 3D मॉडलिंग, तो वो रिफा यूनिवर्सिटी ने मुझे एक डायरेक्शन दी कि मैं जो हूँ इसी के लिए बनाऊँ और मुझे आगे इसी को परस्यू करना है। मेरी आज ज्यूरी थी और इसमें मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी लाइव एक्शन विजुअल इफेक्ट्स पे, और ये मैंने बनाई थी अनरियल के अंदर। पूरी डिग्री मैंने गेम किया और अब मैंने यहाँ पे लाइक मुझे था कि मैं गेमिंग इंजन पे ऊपर कोई शॉर्ट फिल्म बनाऊं और उसमें मैं, तो ये मेरा प्रोसेस बहुत ही मुश्किल था लेकिन मुझे सीखने को और ये प्रोसेस मज़ा बहुत आया। इवन के इसमें मैंने सबसे पहले अपनी शूटिंग की, शूटिंग का मुझे एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद ग्राफिक्स का, फिर VFX का, तो ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत ही मज़े का था। Thank you.